वृंदावन के श्री पंच राधा बल्लभी निर्मोही श्री हितरास मंडल अखाड़ा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दरमियान कुंभ मेला पर्व के अवसर पर श्री महंत लाली शनि महाराज जी के सानिध्य में एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यह कलश यात्रा पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में भ्रमण करते हुए कथा स्थल पर समाप्त हुई। यात्रा समापन के अवसर पर श्री हरीश सुरेश आचार्य जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत से पुण्य की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम समारंभ विष्णु स्वामी सुमध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम नमामि गुरु परंपरा। कलयुग में जितना प्रभावशाली ग्रंथ श्रीमद् भागवत है और श्री रामचरित मानस है, उसके अतिरिक्त कोई भी ग्रंथता सभी फलदायक हैं, लेकिन कलयुग में फलीभूत नहीं है, क्योंकि इन भागवत में और रामायण में वस्तुतः संतों की वाणी दोहराई गई है और संत ही समाज का कल्याण करने वाले हैं, संत ही समाज को सुधारने वाले हैं और संत ही संसार का उद्धार करने वाले हैं। और भागवत में संतों की वाणी दोहराई गई है, इसलिए कलयुग में भागवत कथा का बहुत बड़ा महत्व है। संत स्वामी महेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि यमुना किनारे और कुंभ स्थल में श्रीमद् भागवत कथा का विशेष महत्व है। नारायण यमुना महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बड़ा रास मंडल के महंत जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, सभी श्रीमती कमला गोस्वामी गुंजन राजभोग सेवायत अधिकारी गुंजन जी और प्रणव जी और श्रीमती कमला गोस्वामी का समस्त सहेली परिकर मंडल और समस्त उपस्थित मीडिया आरम्भ हुई है। कोई कार द्वारा, कोई पैदल, कोई नाव के द्वारा सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। भागवत में विग्रह का पूजन हुआ, सब प्रसाद पाए, बधाई लिया। यह शुभ अवसर प्रभु उसी को प्राप्त करते हैं जिसके ऊपर उनकी कृपा होती है। तो एक तो राजभोग अधिकारी बिहारी जी के, दूसरे प्रभु की कृपा, कुंभ मेला और यमुना का किनारा। श्री हरि कौशल महाराज ने कहा कि कथा में विशेष रस बरसेगा। श्री कृष्णम वंदे जगतगुरु। आज वृंदावन महाकुंभ के पर्व पर श्री राम वृंदावन से अनंत विभूषित श्री पूज्यपाद श्री लाली शरण जी महाराज, बड़े रासमंडल वाले महाराज श्री के परम सानिध्य में, श्री महेशानंद जी महाराज के सानिध्य में एवं श्रीमान सच्चिदानंद जी महाराज के सानिध्य में आज विशाल शोभा यात्रा निधवन से प्रारंभ हुई है। श्री हरिदास जी स्वामी जी की अनंत कृपा से को प्राप्त करते हुए सभी भगवतीय वैष्णवों ने, सभी स्त्रियों ने, सभी व्यापारी वर्ग के लोगों ने और ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया, इस कलश यात्रा में भाग लिया और इतने आनंद के साथ में शहर में इस कलश यात्रा को निकाला गया। और कलश यात्रा के पश्चात जब यहाँ पर पांडाल में शिविर में आए हैं तो यहाँ सभी के लिए भोजन प्रसादी थी। बधाई के रूप में समस्त स्त्रियों के लिए यहाँ साड़ियों का वितरण किया गया, द्रव्य दक्षिणा का वितरण किया गया। बड़े आनंद के साथ में राजभोग सेवा अधिकारी श्रीमान गुंजन जी महोदय और श्रीमान प्रणव कुमार जी गोस्वामी, इनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम सभी यजमान परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और महापुरुष संतों के लिए हम चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। इस कथा के आयोजन में पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज, श्री कमल दास जी महाराज जैसे अनेक संत महाविभूति यहाँ पर पधारेंगे और आप सभी लोगों से, मेरा नगर के वासियों से मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि गोस्वामी शरद कुमार जी जो वल्लभ कुल से विभूषित हैं, गोस्वा और षष्ठ पीठाधीश्वर जगद्गुरु गोस्वामी श्री वल्लभ राय जी महाराज भी इस कथा आयोजन में